आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शहर की जानी मानी समाज सेवी संस्था शपथ फाउंडेशन ने इस वर्ष भी मैराथन दौड़ का आयोजन किया है। इस बार इस मैराथन दौड़ को थैंक यू भिलाई के नाम से आयोजित किया गया, क्योंकि इस वर्ष भिलाई वासियों ने भिलाई शहर से मिले सम्मान, सहयोग और वर्चस्व के लिए भिलाई शहर को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 1 भिलाई मुर्गा चौक से प्रारंभ हुआ, जहां भिलाई नगर के पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सतपति ने झंडा दिखाकर इस थैंक यू भिलाई मैराथन का आगाज किया। भिलाई शहर को थैंक यू कहने के लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अमलों के अलावा शहर के अन्य गणमान्य ने भी इस आयोजन में शामिल होकर अपने भिलाई शहर का धन्यवाद किया। ये 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ सेक्टर 1 मुर्गा चौक से प्रारंभ होकर सेक्टर 5 में नव निर्मित शहीद पार्क में समाप्त हुई। इस मैराथन दौड़ में शहर भर के धावकों के अलावा रोलर स्केट्स के माहिर बच्चों ने भी अपने जौहर दिखाए और धावकों का हौसला भी बढ़ाया। तत्पश्चात मंचीय कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अपने उद्बोधन में भिलाई शहर की प्रशंसा करते हुए कहा कि भिलाई शहर देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर भी अपनी एक अमिट छाप रखता है। इस कार्यक्रम के आयोजक शपथ फाउंडेशन की तरफ से अतिथियों के कर कमलों द्वारा इस मैराथन में विजयी हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया है। तत्पश्चात कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। थैंक यू भिलाई मैराथन दौड़ का आयोजन करने वाले शपथ फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं संरक्षक वीरेंद्र सतपति ने इस मैराथन दौड़ को थैंक यू भिलाई का नाम देने के कारण को मीडिया से साझा भी किया। वही थैंक यू भिलाई के इस कार्यक्रम के दौरान भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी गायकी के हुनर को मंच पर प्रदर्शित किया। बता दें कि आज का ये भिलाई शहर एक मिनी इंडिया के तौर पर जाना जाता है। 2 फरवरी 1955 में भारत और सोवियत रूस के बीच अनुबंध हुआ था कि भिलाई में एक इस्पात कारखाने का निर्माण करना है और इस कारखाने के निर्माण के साथ भिलाई शहर में बसाहट चालू हुई। तब से लेकर अब तक भिलाई शहर में आने वाले लोगों को इस शहर ने बहुत कुछ दिया, जिसके लिए आज फिर 2 फरवरी के दिन ही भिलाई वासियों ने भिलाई शहर का धन्यवाद किया। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े व सुनील सोनी की रिपोर्ट। कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो इस आयोजन की प्रशंसा यूएसए में भी होती है। इसका कारण है क्योंकि भिलाई का रहवासी यहाँ पर भी रहता है और उसके परिवार के लोग यूएसए में भी रहते हैं, बच्चे पढ़ के वहां पर भी नौकरी कर रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर भिलाई के लोग आपको मिल जाएंगे। हम ओलंपिक में देखें, एशियन गेम्स में देखें, नेशनल गेम्स में देखें, क्रिकेट में देखें, फुटबॉल में देखें, वॉलीबॉल में देखें, बास्केटबॉल में देखें, हर जगह अगर गेम्स की भी बात होती है तो भिलाई के लोग आपको दिखेंगे। हमारे बीच में सभी गणमान्य लोग उपस्थित हैं, हमारे अध्यक्ष तुलसी साहू जी उपस्थित हैं, हमारे भजन भैया उपस्थित हैं, हमारी बड़ी बहन नीता लोधी जी उपस्थित हैं, सीजू भैया उपस्थित हैं, सभी धर्म गुरु उपस्थित हैं। आप भिलाई को हर जगह पर देख सकते हैं। आज बॉर्डर पे जब लड़ाई होती है तो भिलाई का जवान वहां पर अपने जान निछावर करके भी आता है। एक अलग सोच, एक अलग लगाव इस शहर के लोगों का है भिलाई के प्रति। हम और अरुण भैया बात कर रहे थे उस दिन। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.